गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन इंग्लिश क्लास। सो आप अपनी इस क्लास की इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 हमारा है हैप्पी फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो करते हैं। फॉलो मी फिगर, ठीक है। फिगर तो आपको पता ही होगा क्या होता है। गिल्टेड में धक्का होना, हिल्ट में तलवार का हत्था, तलवार का जो हत्था होता है वो हिल्ट, ठीक है। डिटरमाइंड यानी निश्चय हो जाना, या निश्चित हो जाना, निश्चय कर लेना, निश्चय निश्चित करना या पक्का करना। सिमेस्टर यानी महिला दर्जे होती है, उसको सिमेस्टर बोलते हैं। एजिलिटी में तेजी, क्लम्बर नींद, गेम कार्य, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हैप्पी फ्रेंड्स का। देखिए इसमें ये क्या होता है कि अगर आपको खुशी मिलती है, तो खुशी कहाँ होती है? पैसों पे नहीं, क्या किसी लग्जीरियस लाइफ का मतलब खुशी, अच्छी खुशी वाली जिंदगी नहीं होता, ठीक है। लग्जीरियस में अगर लाइफ लग्जीरियस है तो आप सोचेंगे कि अरे सारी चीजें तो है तो हम खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। सच्ची खुशी कहाँ होती है? जब हम किसी को हेल्प करते हैं और वो खुश होता है, तो उसमें हमें सच्ची खुशी मिलती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया। रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर हैप्पी। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप दूसरों को भी खुश रखते हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस हु हैड नेवर नोन एनी सोरो और पेन इन हिज लाइफ टाइम। जब इस ये एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई दुख ही नहीं देखा, ठीक है। उसकी लाइफ एकदम लग्जीरियस थी, ठीक है। आफ्टर दिस चैप स्प्लेंडेड स्टैचू ऑफ द प्रिंस वॉज इरेक्टेड एंड प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। उसके लिए की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसका एक स्टैचू बनाया गया, वो भी कहाँ पे? पूरे शहर के बीचों बीच में। तो क्या होता था कि वो सारी चीज़ों को महसूस कर सकता था, और जो उसका स्टैचू था वो भी काफ़ी कीमती टाइप का बनाया था, मतलब पूरा का पूरा गोल्ड से ढका था, स्पेयर थे उसकी आईज में, उसकी जो तलवार का था उसमें रूबी लगा हुआ था, तो इस तरीके से था वो। लेकिन क्या था कि वो जब पूरे शहर को देखता था, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई उसको परेशान नजर आता था, तो उससे वो दुखी हो जाया करता था। तो उसने क्या किया, फिर एक दिन उसके पास में स्टैचू के पास में चिड़िया बैठती है, जो कि अपने साथियों से छूट गई होती है, बिछड़ गई होती है। तो फिर वो उससे बोलता है कि आप मेरी हेल्प कर दो, वहाँ पे एक महिला दर्जी है, सेमेस्टर है, वो बहुत परेशान है, उसका बच्चा बीमार है, उसका काम बहुत सारा है, उसको खाने के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो एक रूबी ले जाओ और उसको दे दो, जिससे कि वो उसको बेच के खाने का कर सके और अपने बच्चे के लिए दवाई वगैरह ले सके। पहले तो वो मना करती है क्योंकि उसको जाना होता है, तो फिर वो बाद में सोचते कि चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ, फिर वो उसका वो काम करती है, ठीक है। और उसके बाद में उन दो वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, यानी जो प्रिंस होता है वो भी खुश हो जाता है और जो स्वर्ण होती है वो भी खुश हो जाती है। तो जब दूसरों को खुश देखते हैं तो खुश जो प्रिंस है वो भी खुश हो जाता है। तो ये हमारी स्टोरी थी, ठीक है बच्चों। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू बच्चों।